ये वाला जो हमारा हाउस प्लान चल रहा था, इसमें सारी वर्किंग हमने कर ली थी। इसका किचन के एलिवेशन भी हमने बनाना स्टार्ट कर दिए थे, दो साइड के एलिवेशन भी हमने किचन के अपने कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक का हो गया। अब नेक्स्ट काम स्ट्रक्चर का, जो काम रह गया था पेंडिंग हम उसको कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का क्या काम रह गया था हमारा, हमने कॉलम्स अरेंज कर लिए, उनके फ्रेमिंग स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है। कॉलम का एक टिपिकल सेक्शन भी कट कर दिया। अब इनके स्ट्रक्चरल सेक्शन दिखाने हैं। स्ट्रक्चर सेक्शन में हमने स्टेयरकेस का भी एक सेक्शन टिपिकल सेक्शन दिखा दिया। स्ट्रक्चर सेक्शन में आप क्या दिखाना है, जैसे ये इनके कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे ये कॉलम और फुटिंग का नाम क्या है, C2F4, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कॉलम का नाम क्या है, C2F3। तो इनके फुटिंग के स्ट्रक्चर ड्राइंग हमें दिखानी होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप पहले इसी का ही तो हमें बनाना था, आप चाहो तो इसी को वहाँ पे लेके जा सकते हो, ठीक है, या यहीं पे भी, यहाँ पे भी दिखा सकते हो। कैसे, स्ट्रक्चर ड्राइंग में दो चीज़ें दिखानी होती है, एक टॉप व्यू में, एक टॉप व्यू की डिटेल दिखाते हैं और एक फ्रंट के सेक्शनल व्यू की डिटेल दिखाते हैं, दो व्यू पे दिखाते हैं। अब जैसे इसके बाहर की डिटेल हमें दिखानी है, तो बाहर की डिटेल के लिए ये ब्लॉक बने हुए हैं हमारे, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ रख दिया, इसको पूरे को ब्लॉक बनाया। एक पॉइंट दे दिया, इसको हमने राइट ब्लॉक बना दिया। कॉलम एंट्री, कहाँ पे सेव हो गया, न्यू कैट ब्लॉक, डेस्कटॉप के अंदर, डेल के अंदर, फुली के अंदर, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा था आपसे। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने। अब MM वाली फाइल पे गए, इंसर्ट किया, इंपोर्ट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिए। लाइन टेस्ट के लिए मैंने बढ़ा दिया। अब इनके फुटिंग के हमें बार डिटेल दिखानी है। बार डिटेल के लिए आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 1219 आ रहा है, इसमें लगभग हमारा वही 1200 दिखा रहा है, ठीक है। एमएम में मैंने आपको बताया भी था हम ना एग्जैक्ट स्केल किससे करते हैं, 25 से करते हैं, ताकि वो नंबर में आए हमारा। अच्छा, आप चाहो तो इसको कॉपी करके अलग रख लो, या जैसे मैंने इंसर्ट करके, ब्लॉक से इंसर्ट किया, आप वैसे रख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से जो कॉलम और उसका साइज है, C2F1 फुटिंग है हमारी, इसमें कॉलम का साइज क्या आ रहा है, 1 फिट बाई 9 इंचेस, और फुटिंग का साइज क्या आ रहा है, 4 फिट बाई 2.5 फिट। ये वाला कॉलम और ये फुटिंग उसी के लिए बना रखी थी हमने, मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा। इस वाले पहले वाले के हिसाब से कॉलम कहाँ लग रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे लग रहा है, किसी भी कॉर्नर पे लगेगा तो रिजल्ट तो यही रहेगा, ठीक है। इसको आप नेमिंग भी दे दो यहाँ से, क्या नाम है इसका, C2F1, C2F1,
C2F1 आ गया है सेम मैनर में। C2F2 का लेआउट कैसा है? यहाँ पे F2 ये वैसे ही है सेम एज इट इज। C2F3 में सेंटर पे है, C2F4 हो गई है ये एज इट इज है। C1F5 में 9x9 हो जाएगा। अच्छा सो इस तरीके से आप अलग अलग बना सकते हो उनके फुटिंग के पैड्स। अब पैड्स के बाद इसमें हमें बार का स्ट्रक्चर दिखाना है। तो जो बार का स्ट्रक्चर होता है वो बार बिल्कुल एंड टू एंड फिलअप नहीं किए जाते, उनको एक गैप छोड़ा जाता है। वो गैप अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उसकी एक टेबल है, आप चाहो तो उसको नोट कर लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुटिंग से। फुटिंग का हमारा क्लियर कवर जो छूटता है फुटिंग का हमारा क्लियर कवर अप्रॉक्स होता है 40 से 50 एम। सेकंड इसके बाद कॉलम आते हैं। कॉलम के लिए कितना होता है? 30 से 40 एम। उसके बाद क्या आएंगे हमारे? इनका क्लियर कवर कितना होता है? 1 ही ने पढ़ी है क्या? फिर आता है स्लैब। इसका क्लियर कवर 20 से 25 के बीच में रहते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर कवर एक्चुअल में क्या होता है? जो आपका स्ट्रक्चर था जैसे फुटिंग का पैड था, ठीक। अब इसके अंदर बार्स पड़े होंगे, तो जो बार पड़े हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? एक गैप पे होंगे यहाँ। अब ये जो गैप है हमारा ये वाला, ये गैप आपका कहलाता है क्लियर कवर सीसी, ठीक है। फुटिंग के पैड में 40 एमएम से 50 एमएम का रहता है, कॉलम के लिए 30 से 40 एमएम का, बीम के लिए 25 से 30 एमएम का, स्लैब के लिए 20 से 25 एमएम, ठीक है। ये क्लियर कवर रहता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियर कवर को ध्यान में रख के हमें वो करने उनके वो क्रिएट करने होंगे। तो मैंने क्या क्या यहाँ से लेयर ली, सीई डैश स्ट्रक्चर डैश बार, आप डिफरेंट कलर का ले सकते हो। मैंने जैसे ब्लू कलर लिया है, आप रेड कलर लिया है, येलो कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जी। ब्लू तो वॉल, हाँ ब्लू वॉल, येलो ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी दूसरा कलर ले सकते हो चाहो तो। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉलम पे एक गैपिंग लेनी है। तो मैं इसके यहीं पे नहीं करूँगा, मैंने इसको कॉपी करके नीचे रखा, इसको उठा के मैंने अलग रख दिया। ऑफसेट लिया मैंने कितने का? 40 एमएम का। इन अंदर की तरफ ऑफसेट ले लिया, इसको एक्सप्लोड कर दिया हमने, अलग अलग हो गए। अब
जो वाली जो बार वाली जो लेयर एक्टिव थी उसको मैंने एक लाइन बनाई उस पर, और इससे क्या कर दिया हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे नीचे जो बार पड़े होंगे इनके बार की अलग अलग स्पेसिंग रहती है, उनके डायमीटर्स अलग अलग रहते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो कैलकुलेशन वगैरह करके हमें दिया होगा उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं या उसी के बिहाफ पे हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो बार्स आएंगे वो 12 mm के बार हैं और एक बार से दूसरे बार की गैपिंग 100 mm की या 125 mm की हमें दे रखी है, तो हम उसके बिहाफ पे डिज़ाइन करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रेट वर्टिकल बार ले लिया मिडिल में, और इसको मैंने ऑफसेट किया। अगर 125 mm है तो 125 mm का हाफ कितना हो गया, या चलो मान लो 125 की जगह 150 मान लेते हैं, 150 mm हो गया तो 75, तो 75 मैंने दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, सेंटर लाइन को बाद में डिलीट कर दिया। अगेन 150 पे ऑफसेट किया, अब देखो आप इसके बाद अगर मैं ऑफसेट करूंगा तो क्या हो जा रहा है, पैड से बाहर चला जा रहा है, तो हम कॉर्नर वालों को हटा देते हैं। ठीक है, वापस से मैंने लाइन दी या कॉर्नर वालों को हटाने से पहले मैंने वर्टिकल लाइन ले ली पहले, अब इन लाइन को डिलीट कर दो, आप उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे भी सेंटर से पहले 75 दोनों तरफ कर दिया, उसके बाद 150, एंड वाली लाइनों को डिलीट कर दिया। सो ये हमारा क्या हो गया, फुटिंग का बार स्ट्रक्चर हो गया। इसकी डिटेल आप अलग से देंगे, तो मैंने डिटेल लाइन ली, डी एंटर किया उससे पहले, डी एंटर किया मैंने स्टैंडर्ड वाले को, एस वाले को न्यू पे क्लिक किया, और एरो हेड को मैंने यहाँ से डॉट में कन्वर्ट कर दिया। ओके किया, सेट करें, पहले वाले को सेट करें किया मैंने, इस वाले को डिलीट कर दिया, एली एंटर किया, लीडर लाइन पे गए, सारे छोटे आ रहे हैं, इस वाले को न्यू किया और इसको डॉट में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, सेट करें, क्लोज कर दिया, एली एंटर किया। अब ये बार जो है हमारे ये किस साइज के हो गए, उसको टेक्स्ट कमांड से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे लिटरल बार हो गए। ठीक है, और इसकी डिटेल हमने यहाँ से दे दी, ये कितने बार जा रहे हैं हमारे पहले ये चेक कर लो, ये वाले कितने बार जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने लीडर लाइन के साइज को भी थोड़ा छोटा कर दिया, ज्यादा दिखा रहा है, लिटरल बार। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा हैश, कितने बार जा रहे हैं हमारे, एट। ठीक, बार्स देने की जरूरत नहीं है, हैश जो टर्म होता है ये नंबर ऑफ बार्स के लिए ही दिया जाएगा। स्पेस दिया, एक बार कित का डायमीटर कितना है, तो परसेंटेज परसेंटेज सी लिखा, फाई का सिंबल आ गया,
यहाँ बताया 12 mm। उसके बाद मैंने लिखा एट द रेट, एक बार से दूसरे बार की डिस्टेंस कितनी है, और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होती है हमारी। इस तरीके से मैंने दिखा दिया। आप चाहो तो इसी को डबल लाइन में भी दिखा सकते हो, उसके लिए आपको 6 12 mm का है तो 6 6 mm दोनों तरफ ऑफसेट करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो, या फिर आप इस लाइन की जगह पे पॉली लाइन लेके उनको ग्लोबल विड्थ भी दे सकते हो। दोनों चीज, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सो ये एक फुटिंग का हमारा क्या हो गया, फुटिंग के पैड की डिटेल हो गई। इसी तरीके से बट अभी फुटिंग के साथ क्या लगेगा, कॉलम। अच्छा, फुटिंग का पैड तो सबका ऐसे ही रहेगा या बदलेगा, फुटिंग का पैड सबका ऐसे रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम किस में आएगी हमारे, जो इसका वर्टिकल सेक्शन है वो अलग आएगा। आएगा अलग या नहीं आएगा, है ना। इसलिए हॉरिजॉन्टल सेक्शंस कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही बना के अगर फुटिंग का साइज सेम है उसी को कॉपी करके रख देते हैं। हाँ करेक्ट, दो फुटिंग के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दो में दो भी नहीं, तीन के चार के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी दो कंबाइंड थी, दोनों का पैड साइज अलग अलग था, उन दोनों के बनाने पड़ेगा। एक 9x9 वाले कॉलम की थी उसका आएगा, तीन हो गए और एक इसका ये बना दिया हमने। तो फुटिंग पैड की डिटेल आपको स्ट्रक्चर वाले की इस तरीके से चार चारों की बनानी पड़ेगी, लेकिन एलिवेशन सेक्शन वर्टिकल सेक्शन जो होंगे वो सबके अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी के किसी में कॉलम सेंटर पे अटैच हो रहा है यहाँ, किसी के में इधर हो रहा है, किसी के में इधर हो रहा है, तो इसलिए आपको वो अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अब ऐसे ही हम कॉलम की डिटेल भी दिखा देते हैं बार की। तो मैंने इसको कॉपी करके ऊपर रखा, इसको डिलीट कर दिया। कॉलम पे भी हमारा क्या होगा, चारों तरफ से क्लियर कवर आएगा। कॉलम का क्लियर कवर कितना था, 30 हमने ऑफसेट ले लिया, आ गया। और इसको हमने मैच कर दिया सर। अब इसमें कितने बार आएंगे हमारे कॉलम में, कितने बार आएंगे, मैंने आपको टेबल बताई थी उसमें बार्स भी लिखवाए थे, दूरी पे है उसके हिसाब से बार डिसाइड हो गए। अब मान लो हमें 6 बार दिखाने हैं, तो 6 बार कहाँ कैसे दिखाएंगे, 3 एक तरफ होंगे, 3 दूसरी तरफ होंगे। अगर 8 बार दिखाने होते तो 4 इधर 4 इधर, है ना, तीन इधर, तीन इधर और एक एक इधर, दोनों तरफ हो जाता, ठीक है। तो हम इसमें 8 बार ही दिखा रहे हैं, 3 ऊपर 3 इधर और एक एक दो साइड में। अब बार इसमें जो पड़ेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल जो पैड था इसमें कितने का बार पड़ रहा था, 12 mm का या 18 mm का पड़ रहा है या 16 mm का पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बताएगा। हॉरिजॉन्टल बार पैड जो होता है वो फिर भी कम पड़ता है, लेकिन जो कॉलम आते हैं क्योंकि उसमें वर्टिकल लेंथ ज़्यादा जाएगी तो उनके बार साइज ज़्यादा के पड़ेंगे। तो मैं अभी 20 mm का बार लेके चल रहा हूँ, तो 20 mm का बार दिखाने के लिए आपके पास दो चीज़ें, या तो आप एक सर्कल बना सकते हो, सी एंटर, डी एंटर किया, 20 mm के डाया का एक सर्कल बना दिया, हैच कमांड पर जाके इसके अंदर आपने सॉलिड से हैच कर दिया, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, डोनट कमांड यूज़ कर सकते हो, डी ओ एंटर, इनर डाया आपने 0 दिया, आउटर डाया आपने कितने का था, 20 का दिया और क्लिक कर दिया। डोनट से काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप प्लेस करोगे इसको, इसलिए आप ये ना करके सर्कल को बना दिए और इसको आप ब्लॉक बना दो। हो गया हमारे, अब हमने इसको प्लेस किया। कहाँ से प्लेस कर रहा हूँ, मैंने इसके क्वाड्रेंट से और इन दोनों के क्वाड्रेंट से, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ से पिक किया, या आप चाहो तो सेंटर से उठा सकते हो, बट सेंटर से उठाने के बाद आपको फिर इसको मूव करना पड़ेगा।
ठीक है, एक यहाँ आया, दूसरा कहाँ है इसके मिडल पे आएगा, एट बार आ गए। अब ये जो बार के चारों तरफ आ रहा है ये क्या होता है हमारा, हाँ यहाँ देखो वर्टिकल बार आ गए आपके कॉलम के, इसके चारों तरफ देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये स्टीरअप्स, ये क्या होते हैं हमारे हैं, ये क्यों दिए जाते हैं स्टीरअप्स, जब बार का जाल जब बनाते हैं एक्चुअल में तो बार को अपनी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए स्टिरअप से ही टाई अप करते हैं हम उसे, है ना। तो वो स्टिरअप हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, ये स्टिरअप आ रहा है, स्टिरअप या इनको रिंग्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में स्टिरअप ही होते हैं। फिर स्टिरअप को बाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक तरीका क्या है, जब बाइंड करा जाएगा तो इसमें स्टिरअप का एक हुक बनेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो ये देख रहे हैं दो पैरा लाइन, ये क्या होता है, इसको बाइंड या टाई करने का तरीका होता है। टाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बार होता है एक हल्का सा उसके आगे से लेते हैं, फिर उसको गोल घुमा के कॉर्नर से फिर टाई करते हैं। तो ये आपका ये क्या है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, वो आपका ज्वाइंट वहाँ पे आ रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन कमांड पे गया, लेंटर गया, सेंटर से लाइन ली हमने, एट द रेट लिया, लेंथ हमें यहाँ पे देनी है और एंगल देना है। तो मैंने लेंथ यहाँ से दे दी 40, लेस देन साइन एंगल दे दिया मैंने, माइनस का 45, ये लाइन आ गई हमारी। इसको मैंने ऑफसेट कर दिया 10 10, जितना बार का डायमीटर था उतना हो गया ये। अब ये सिंगल रिंग स्टिरअप होता तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंपल एफ एंटर आर एंटर, रेडियस दिया, कॉर्नर इसका जो डायमीटर था वो कितना था, 20 था, तो रेडियस कितना होगा 10, 10 पे पी एंटर किया, पॉलीलाइन पे आपने फ्लिट कर दिया, चारों तरफ से राउंड घूम गए, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, इतने बड़े 6 8 नंबर ऑफ बार्स के लिए हमें सिंगल रिंग की जगह पे डबल रिंग स्ट्रक्चर देना पड़ता है, एक तो चारों तरफ का लगेगा और एक आपका स्मॉल वाला रिंग स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, एक इस तरीके से घूम के पहले आके इसके साथ टाई हो जाएगा, दूसरा यहाँ से घूम के इसके साथ टाई हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, डबल रिंग स्टिरअप है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये दिख रहा है आपको, इसमें देखो क्या है, डबल रिंग, ये डबल रिंग कहलाता है हमारा, ठीक है। नॉर्मल अगर हमारा ऐसे होता है तो उसको हम कहते हैं सिंगल रिंग स्टिरअप, ठीक है। तो डबल रिंग सिंगल रिंग हमारे स्टिरअप्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको बेंड भी देखने को, राउंड भी देखने को मिल जाएगा, दिख रहा है ये, ठीक है। सो हमें अपने स्ट्रक्चर में इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर्स भी दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल आप अलग से दे सकते हो, लीडर लाइन पे गए, ये क्या हो गया हमारा,
इसको हमने डॉट की जगह पे एरो कर लेते हैं, क्रॉस फिल, ओके, सेट करें क्रॉस। अब ये क्या चीज हो गई हमारी, स्टीरअप। स्टीरअप का साइज क्या होता है हमारा? हाँ डाया आठ एम एम पे होता है, पहले 6 mm का यूज होता था, ठीक है। TMT जो होता है ना, हीट ट्रीटेड, वो 6 mm का यूज होता था ट्विस्टेड, लेकिन अब मिलते नहीं है तो 8 mm का ही स्टीरअप लगाते हैं, ठीक है। तो उसको नीचे स्पेसिफाई कर देंगे स्टीरअप। हमने क्या किया, परसेंटेज परसेंटेज सी लिखा, ठीक, फाइव आ गया। कितने का, 8 mm स्टीरअप है, जब बार की डिटेल देंगे तब हैश लिखेंगे। डबल रिंग वो लिख देंगे, डबल रिंग, हाँ, ऊपर आप जहाँ स्टीरअप लिखा है यहाँ पे आप लिख दो। अभी बता दें डबल रिंग स्टीरअप 8 mm, ठीक है। और एट द रेट लेके आप गैप दे सकते हो, वैसे तो वर्टिकल एलिमेंट में गैप बताते हैं, बट मैं यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ 150 mm, ठीक है। और यहाँ पे गैपिंग नहीं देते हैं जनरली, TMT उसकी क्वालिटी लिख देते हैं कि हमें कौन सा स्टेटअप चाहिए। या तो क्या ना, एक ऐसे हो गया और एक ये पूरे पे हो गया, ये यहाँ से आया इधर घूम के वापस से इस पे खत्म हो गया, एक यहाँ से आया इस पे खत्म हो गया। ये दोनों को बाहर बाहर से नो नो नो, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे नहीं, एक पूरा चलेगा और एक डबल चलेगा। अब वो एक इधर फिर दूसरा वाले में इधर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और इनके और भी शेप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये वाला भी चलता है हमारे, 6 bar जहाँ होती है ना इस टाइप का, देख रहे हैं ना डायमंड शेप आ रहा है हमारा, इस टाइप का भी चलता है हमारा, ठीक है। सो वो शेप एक्चुअल में जो सिविल इंजीनियर होगा वो अपने शेप के बिहाफ पे हमें डिटेक्ट करके बताएगा, ये आपका डबल रिंग हो गया, ये आपका ट्रिपल रिंग हो गया, है ना, फिर ये आपके और मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर आ गए, तो उसके शेप्स अलग अलग साइज के डिपेंड पे या लोड के डिपेंडेंसी पे आपके आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डबल रिंग स्टीरअप हो गया। देन मैं फुटिंग को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कॉलम की डिटेल पर्टिकुलरली यहाँ दी जाएगी। ये क्या हो गया हमारा, बार हो गया। अब ये कितने का बार है, 20 mm का। इसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, अब इसमें बार साइज भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरे रिंग में एक ही बार हो, जैसे कि कॉर्नर वाले 20-20 mm के कर दिए चारों और बीच वाले 16-16 mm के कर दिए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इनको नेमिंग भी दी जाती है, ए बी सी हो गए और ये वाला ई हो गया, जैसे कि सपोज आपका अगर बीच में भी दिया जा रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से नेमिंग को अलग से टेबल में फिर हम डिफाइन कर देते हैं, फिलहाल हम इसी पे ही डिफाइन कर रहे हैं, सारे हम कंसीडर कर रहे हैं एक ही साइज के बाहर है। ओपन के लिए परसेंटेज परसेंटेज सी,
ठीक है, उससे पहले हैश लिखा, कितने बार है? सिक्स सिक्स है, एट बार। कितने के? 20 mm। एट द रेट ठीक, परसेंटेज सी वाले को सब क्या बोलते हैं, वो जो परसेंटेज सी था वो वाला साइन डायमीटर, डायमीटर फाई, फाइव डायमीटर का सिंबल है, कहलाता फाई है। अब ये जो गैप है, ये क्या, कौन सा गैप कहलाएगा? सीसी, क्लियर कवर। देन इसके अंदर क्या फिल रहेगा हमारा? मैकेनिकल डिपेंड करता है कि हाँ लोड कैसा है, कहाँ किस कंडीशन में हम कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड ऑफ फर्स्ट है तो M20 भी चल जाएगा, 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग ले रहे हैं तो 25 भी चलेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट है तो 23 भी चल जाता है हमारा, कहेंगे ठीक है। तो कंक्रीट की डिटेल हो गई, ये हमारा एक बार की डिटेल हुई किस चीज़ के, कॉलम के। ये हमारे बार की डिटेल हुई फुटिंग के। इनका कलर अलग कर देते हैं, सेम कलर में आ रहा है ना ये, इसका कलर में चलो येलो कर देते हैं बस। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या किया जाता है, इसका एक वर्टिकल सेक्शन स्ट्रक्चर का किया जाता है कट। एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस किया मैंने, पहले फुटिंग का पैड का ले लिया क्या। हमने एक्सेल एंटर वी एंटर करके रेफरेंस लिया, इसको भी आप साइड में रख सकते हो ठीक है। अब एक्सेल एंटर एच एंटर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया हमने, सिर्फ पैड का ले रहे हैं, बाकी किसी चीज़ का हमें रेफरेंस देने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ पैड का लिया क्योंकि स्ट्रक्चर पार्ट जो होगा वो तो सिर्फ पैड का ही होगा ना। अच्छा, पैड में भी हमारा डबल, पैड में भी आपका डबल रिंग आता है, जो नीचे पैड आता है ना बॉटम में, उसमें भी डबल जाल आता है, सिंगल जाल भी आता है। हमने अभी सिंगल जाल स्ट्रक्चर दिया, लोडिंग इतनी थी नहीं,
हैवी लोड होता है तो डबल जार स्ट्रक्चर में देना पड़ता है। यहाँ पे देखो आप, ये जो जाल है ये कैसा है, सिंगल जाल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी की जगह पे ये वाला देखो आप, ठीक है, नीचे से भी जाल रहा है ऊपर से भी क्लब कर रहा है, इनको हम डबल जाल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है ना आपको, ये डबल जाल स्ट्रक्चर है। अगर ऊपर की ये नहीं होते तो इसको हम क्या कहते, सिंगल जाल। मैट टाइप फुटिंग देनी होती है, डबल जाल स्ट्रक्चर डालते हैं क्योंकि पूरे बिल्डिंग का लोड इसी पे है सारा। ठीक है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने, कॉलम का भी, कॉलम भी तो अटैच होगा ना इस पे, इनको ट्रिम कर दिया हमने। ठीक, अब जब वर्टिक यहाँ से सेक्शन कट होगा तो ये वाले जो कॉलम्स हैं वो बार हैं, ये तो हमें सेक्शन कट के तौर पे दिखेंगे, और ये वाले जो होंगे ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल दिखेंगे हमें खाली, है ना। तो ये लेटरल बार थे और ये हमारे क्या हो गए, लॉन्गिट्यूडनल बार। इनकी क्वांटिटी कितनी हो गई भैया लॉन्गिट्यूडनल बार की, 1 2 3 4 चार हो गए। प्रॉब्लम के बाकी सेम है, बट वेरी भी कर सकते हैं दोनों, मतलब लेटरल बार लॉन्गिट्यूडनल कम पड़ेगा, लेटरल ज़्यादा पड़ेगा ना, तो इनकी बार की क्वांटिटी और इनकी डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। खैर, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सेल एंटर करके, वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस देना है। पहले मैंने लेटरल बार का रेफरेंस ले लिया और यहाँ से नीचे से हमने इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर 12 mm कर दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया और इन दोनों को डिलीट कर दिया। ठीक, अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल पहले रखा हो लेटरल उसके ऊपर रखे हो, या पहले लेटरल रखे हो उनके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल रखा हो, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही चलता है या वो नहीं चलता, दोनों ही टाइप के चलते हैं। अब इसमें तो हम जज भी नहीं कर पा रहे कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, बट डबल जाल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे नीचे होगा उसी का अपोजिट मिरर ऊपर होगा, मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल नीचे रखे पहले हमने उसके ऊपर लेटरल रखे तो ऊपर जाल में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। हाँ, मिरर इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, अब अगर ये नीचे आ रहा है तो शॉर्टर स्पैन के अलोंग लगते हैं ना। हाँ, शॉर्टर स्पैन जो है ना, हाँ, उसके अलोंग लगते हैं सबसे नीचे वाला। अच्छा, उसके बाद उसके पैरल लगते हैं, उसके दूसरा है ना पैरल लगते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था। पहला जाल शॉर्टर स्पैन के अलोंग लगते हैं पैरल, तो पहले ये वाला आएगा शॉर्टर स्पैन, पहले नीचे आएगा, यानी कि नीचे ये वाले बार आएंगे। हम भी इसी तरीके से दे रहे थे कर अभी, क्योंकि मैंने नीचे से 12 mm का गैप जो लिया था वो इसीलिए लिया था, नीचे हम अपना बार दिखाएंगे। शॉर्टर स्पैन को पहले रखेंगे और लॉन्गर स्पैन उसके ऊपर रखेंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन स्क्वायर टाइप में तो दोनों बराबर होंगे, तो उसमें कैसे भी रख सकते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं होता कि पहले वाला रखना है या वाला रखना है, वो दोनों में से कोई भी चल सकता है। अच्छा, अब यहाँ इसके नीचे हमें बार देने, तो वो बार दिखाने के लिए 12 mm का बार दिखाना है। ठीक है, उसके लिए आप चाहो तो डोनट कमांड यूज़ कर लो या सर्कल बना लो। तो मैंने सी एंटर किया, डी एंटर किया, 12 mm का बार दिया, इसको हैच कर दिया सॉलिड कलर से, ब्लॉक बना दिया 12 mm बार।
इसको मूव किया मैंने और इसके सेंटर पर रखा, इसको कॉपी किया मैंने, फिर इन सब को मूव करके बॉटम से यहाँ इसके बॉटम से, ठीक है। देन यहाँ वाला जो बार होगा इसकी लेग्स को हम बेंड करके ऊपर ले जाते हैं, तो मैंने इसको ऊपर ले लिया 150 mm, 100 से 4 इंच से 6 इंच ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर इसको ऊपर कनेक्ट कर देना होगा हमें, नहीं पूरे ऊपर तक जरूरी नहीं कि जाए जाए, अब जो डबल जाल होता है तो ऊपर से भी बार बेंड होके आते हैं, तो उनमें हमें क्या करना होता है, बार जो बेंड होके आते हैं तो उसमें इस टाइप का शेप रहता है हमारा, लैपिंग आती है हम दोनों में, लैपिंग करने के लिए इस तरीके से रहता है, इस तरीके से करने के लिए फिर यहाँ पे आपका बेंड आएगा, तो बेंड दिखाने के लिए आपको फ्लैट कमांड से दिखाना पड़ता है, यहाँ पे ना इसका बेंड फ्लैट कमांड से आप दिखाते हो, इसको हम कहते हैं लैपिंग, दो कॉलम और उसके बीच में रिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में आपकी लैपिंग आएगी, ठीक है। तो ये कब होगी, जब डबल जाल स्ट्रक्चर होगा हमारा, ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा, तब हमारा लैपिंग आएगा। खैर ये वाला आ गया हमारा, अब इसके ऊपर क्या होगा हमारा, इसके भी तो बार आए हुए, तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, इनके सेंटर से हमने ले लिया, ठीक। यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्या करना होगा, हमें बेंड करना होगा, ठीक है। ये बार कितने डायमीटर के थे, तो मैंने 10 ऊपर ऑफसेट कर दिया, इसको भी ऑफसेट किया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, एफ एंटर, आर एंटर, 10 रेडियस पे फ्लैट लगा दिया, हाँ। अब याला लेग भी इसकी तरफ बेंड होके आएगा, उसको भी इस तरीके से दिखा दिया हमने, ऊपर से जो कॉलम उतरेगा हमारा उसके भी बार जो होंगे वो बैंड होके इस तरीके से रखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद जो स्टिरप्स हैं अब उनको दिखाने की बारी आएगी, तो मैंने 150 ऊपर ऑफसेट किया, और स्टिरप कितने के थे, 8 mm का था, ठीक है। तो 8 mm आपने दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया यहाँ से, आगे निकला एक्स्ट्रा काट के, अब इसको आप रिपीट पे लगा दो, मैं एरे कमांड का यूज कर लेता हूँ, एरे कमांड पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे, और कॉलम हमने 1 दिया, रो हमने ज़्यादा दी, रो मैंने 10 दे दी, और डिस्टेंस एक से दूसरे का 150 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कितना भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे कॉलम का स्ट्रक्चर कट हो गया, यहाँ पे सेक्शन कट, एक्सप्रेस टूल पे गए, ब्रेक लाइन पे गया मैं, साइज पे गया, साइज मैंने यहाँ से 250 का दे दिया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, एंटर कर दिया, और इतना करने के बाद इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को ट्रिम कर दिया, इसको
बताइए, समझ में आए? अब आप इनके लिए इनके बार को दिखाने के लिए हमने किस कलर का लिया, रेड कलर का लिया ना, तो कॉलम वाले बार्स को हम रेड में करेंगे। इस साइड से आपने ऊपर बेंट करके ऊपर किया है, हाँ आगे दिखेगा। हाँ, इस सेक्शन कट है ना, मतलब सेक्शन कट यहाँ से बीच में से काट कट कर रहे हैं, पीछे से दिखेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ इनके सेंटर से ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा। और ऊपर के जो बार अगर आप दिखाओगे, तो मैंने जैसे कॉपी करा, यहाँ रख दिया। इसके बाद आप ये बार लेंगे @150 less than 45 दिया मैंने, इसको मिरर कर दिया। कॉलम जब खड़ा किया जाता है तो उसके लेग्स को टाई करने के लिए फैलाया जाता है ना, तो अबाउट 150-200 mm बेंड लेंथ दी जाती है, तो वो उतना हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बेंड होता हो। ठीक है, तो ये आपका एक कॉलम फुटिंग का डिटेल हो गया। इस डिटेल को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो फर्दर, जो हमने डिटेल ऊपर लिखी थी ना, जैसे आप बता सकते हो ये आपके कौन से हो गए, लॉन्गिट्यूडनल बार या आपके लेटरल बार, दोनों के साइज अलग अलग हैं या साइज एक है, एक है तो वो आपको स्पेसिफाई करना होगा, अलग अलग है तो भी आपको उसको अलग अलग स्पेसिफाई करना होगा। फिर उसके ऊपर आपका ये कॉलम आ गया, ये कितने बार के आ गए, ये स्टेटअप्स हो गए आपके डबल। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये डबल रिंग दे दिया, फिर उसके ऊपर सिंगल रिंग, फिर डबल रिंग, फिर सिंगल रिंग, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। तो उनको आप यहाँ पे लीडर लाइन से एक्सप्लेन कर देंगे अलग अलग, जैसे कि मैंने ये वाला लिया, इसको हम लिख देंगे डबल रिंग स्टेटअप, और इसको लिख देंगे ये कौन सा हो जाएगा हमारा सिग्नल रिंग स्टेटअप। ठीक है, और कितने की गैपिंग पे हम, तो इस तरीके से आपका हाँ 300 हो जाएगा, डबल रिंग 300 पे होगा, सिंगल रिंग भी 300 पे होगा, अल्टरनेट पे लग रहा है ना हमारे। अगर खाली सिंगल रिंग ही है तो आप एक ही को डिफाइन करके बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा फुटिंग का पैड की ड्राइंग तैयार करके दी जाती है। ठीक, सो इस तरीके से आपको पैड्स की अलग अलग डिटेल बना लेनी है, जितने भी आपके पैड्स आ रहे हैं, यानी कि ये वाली ड्राइंग, ये तो बन जाएगी सबसे। कॉलम में अब यहाँ सेंटर वाला था तो बिल्कुल सेंटर पे एलोकेट हुआ, ठीक है, ये वाला होगा तो वो इधर कॉर्नर पे एलोकेट होगा, इसका और इसका फ्रंट, ये वाला साइड व्यू एक ही जैसा दिखेगा मोर और लेस। ठीक है, इसका और इसका फ्रंट व्यू एक ही जैसा दिखेगा मोर और लेस, लेकिन बार जाल स्ट्रक्चर जो होगा वो दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, इसको पूरे को तैयार करके ये पूरी स्ट्रक्चर फाइल फिर आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राइंग में ला सकते हो। हाँ, तो बट पहले आपको ये पूरा तैयार कर लेना,
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसी तरीके दिखा रखा है। और फर्दर इसमें और एडवांस पे अगर हम जाएंगे तो जैसे कि अभी हमने यहाँ कॉलम का दिखाया, कॉलम के ऊपर फिर हमारा क्या होगा, बीम कनेक्शन दिखाना होगा, तो हम हाँ वो कनेक्शन दिखाएंगे। ठीक है चलिए, सो आज इतना रखते हैं, पहले इतना तैयार करके लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे।